तो दोस्तों व्हाट्सएप ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है, क्रिएट कॉल लिंक। लेकिन क्रिएट कॉल लिंक है क्या और ये बहुत से दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। और कुछ फ्रेंड्स ये भी बोल रहे हैं कि क्रिएट कॉल लिंक को कैसे हटाएं, तो बहुत सारे यूट्यूबर बता भी रहे हैं कि इसको कैसे हटाना है, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस क्रिएट कॉल लिंक को हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्रिएट कॉल लिंक पर जब आप फ्रेंड्स क्लिक करेंगे, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जब आप क्रिएट कॉल लिंक पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे एक कॉल लिंक का लिंक जनरेट होता है और यहाँ पे आप कॉल टाइप है, आप कॉल टाइप पे क्लिक करेंगे तो वीडियो कॉल और वॉइस कॉल का ऑप्शन है, जो भी आप कॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्रिएट कॉल लिंक है क्या फ्रेंड्स, पहले फ्रेंड्स क्या होता था, आप एक साथ 5 से 7 लोगों तक ही बात कर सकते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप ने अपडेट करके इसे 32 लोगों तक बढ़ा दिया है, यानी कि आप इस कॉल लिंक के जरिए आप 32 लोगों तक बात कर सकते हैं एक साथ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेंड लिंक का ऑप्शन है, आप सेंड लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे किसी को भी ये लिंक सेंड कर सकते हैं और वो लिंक पे जब क्लिक करेगा तो वो आपके वीडियो कॉल में कनेक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन है, आप यहाँ से कॉपी लिंक करके भी किसी को सेंड कर सकते हैं। और डायरेक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है शेयर लिंक का, तो आप शेयर लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी किसी को भी आप एक क्लिक में सेंड कर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्रिएट कॉल लिंक है इसे डरने वाली बात नहीं है। जब आप यहाँ पे देखिए, जो मेरा अभी मैं आप ध्यान से देखिए, जो मेरा ये लास्ट में लिंक है, देखिए Z6L7 लिखा हुआ दिखा रहा है, लेकिन अब मैं जब इसे बैक कर दूंगा और जब सेकेंड टाइम ओपन करूंगा तो ये लिंक चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ से बैक हो गया और फिर से क्रिएट कॉल लिंक पर क्लिक किया, तो देखिए ये लिंक जो है चेंज हो चुका है। तो इसलिए फ्रेंड्स डरने की कोई भी बात नहीं है, ये लिंक इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है और आपका कोई भी हैक नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं कि इसे आप हटा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स कुछ यूट्यूबर ये बताते हैं कि आप परमिशन को, व्हाट्सएप का जो परमिशन है वो सारे परमिशन को अगर आप हटा देंगे तो इससे आपका लिंक हट जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैंने सारे परमिशन को रिमूव करके देखा और कुछ ने ये भी बताया कि स्टोरेज को आप अगर क्लियर डेटा पे क्लिक कर देंगे तब भी आप ये लिंक को हटा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स स्टोरेज अगर आप क्लियर कर दें या चाहे आप परमिशन को रिमूव कर दें, अगर आप व्हाट्सएप के परमिशन को रिमूव कर देंगे, कैमरा को, कॉन्टैक्ट को, फ़ोन को रिमूव कर देंगे, अगर आप कॉन्टैक्ट को रिमूव कर देंगे तो व्हाट्सएप में आपका कॉन्टैक्ट शो ही नहीं करेगा। अगर आप कैमरा परमिशन को ऑफ कर देंगे तो आप वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे, तो आप परमिशन को रिमूव नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स रही बात, अगर कुछ फ्रेंड्स कुछ यूट्यूबर ये भी बताते हैं आप पुराने वर्जन का व्हाट्सएप अपडेट डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपका क्रिएट कॉल लिंक नहीं रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप पुराने वर्जन का व्हाट्सएप डाउनलोड करेंगे तो वो बार बार अपडेट का ऑप्शन मांगेगा, जिससे जो अपडेट करने के बाद ही फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपको फिर से दिखने लगेगा। इसीलिए फ्रेंड्स आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं तो शायद ऐसा ही, मैंने बहुत सारे वीडियो भी मैंने भी देखा लेकिन ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिला जो कि मतलब सटीक इसको रिमूव करने का कोई भी पॉइंट या कोई भी सेटिंग नहीं दिया हुआ है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।